प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज में आपका सिलेक्शन अगर हो गया है तो उसके बाद वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड करेंगे और उनका वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो उनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो जब भी किसी पर्सन का, चाहे वो फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हो, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कंपनीज़ के कुछ अलग अलग रूल्स रहते हैं, तो अलग अलग तरीके के जो वेरिफिकेशन कराते हैं। बट अगर एक तरह से हम ओवरऑल कॉमन डॉक्यूमेंट्स ले के चले, तो किस तरह के वेरिफिकेशन करवाते हैं वो थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू, जो भी हायर करके रखते हैं थर्ड पार्टी वेंडर, तो उनसे किस किस तरह के वेरिफिकेशन करवाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहले नंबर पे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करते हैं, वो मांगते हैं आपसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे मान ले लिए जाएंगे, और उसके बेस पे वो सारे आपके जिस भी यूनिवर्सिटी से, जिस भी बोर्ड से आपने किया होगा, वो वहाँ थर्ड पार्टी को सारा वो सेंड कर देंगे, और वहाँ से वो वेरीफाई करवा लेंगे वाया ईमेल के थ्रू, या फिर कोई भी लेटर्स पोस्ट करके, किसी भी तरीके से, या किसी कॉल से, फ़ोन से करके वो सारी चीज़ें वहाँ से वेरीफाई करवा ली जाती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट डिमांड करती हैं ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज, वो होते हैं आपके एक्सपीरियंस लेटर्स। जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने उसके उनके यहाँ इंटरव्यू देने से पहले जहाँ भी आपने एक्सपीरियंस दिखाया है अपने CV में कि मैंने वहाँ वहाँ इतना टाइम जॉब किया हुआ है, तो वहाँ के सारे आपके एक्सपीरियंस लेटर ले लेंगे और उनके वेरिफिकेशन वो करवाएंगे कि आप वहाँ पर जॉब कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे। तो ये सारे के सारे उस वेरिफिकेशन आपको उन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी, थर्ड पार्टी के थ्रू ही करवाएंगे। आपसे वहाँ के मेल नंबर, फ़ोन नंबर ले लेंगे जिन ऑर्गेनाइजेशन से आपने बताया होगा, या फिर वो लोग खुद इंटरनेट के थ्रू निकाल लेते हैं थर्ड पार्टी वाले, और उनको मेल के थ्रू या फिर कोई भी लेटर वहाँ पे पोस्ट करके उसके थ्रू वो लोग वहाँ से वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। तीसरे नंबर पे जो आ जाता है, वो आ जाता है क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए आपके एरिया के जो भी आधार हैं, डॉक्यूमेंट ले लेंगे, एड्रेस प्रूफ ले लेते हैं, तो आपके एरिया के जो भी थाने होते हैं, वहाँ पुलिस स्टेशन होते हैं, वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लेते हैं। जो ये आपके थर्ड पार्टी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हायर किए जाते हैं, तो वो ऑनलाइन आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन रिकॉर्ड वहाँ से चेक कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं आपके एड्रेस के बेस पे, आपके नेम के बेस पे, आपके फादर के नेम पे के बेस से, कि ऐसा कोई क्रिमिनल आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो हायरिंग के बाद उन पर कोई दिक्कत आए। अगले नंबर पे जो आता है चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन कराने के लिए, रेफरेंस चेक। 2 से 3 लोगों के वो लोग नंबर आपसे ले लेंगे इंटरव्यू के बाद, वो लोग मांग लेंगे जिनके रेफरेंस चेक करने के लिए आपसे बोला जाएगा। तो उसके बाद वो उन लोगों को कॉल करके कुछ 8 से 10 कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे सारे लोग से, आपके बारे में फीडबैक लेंगे कि कैसा आपका बिहेवियर है, परफॉर्मेंस कैसा है, टीम वर्क कैसा है, दोबारा से आपके यहाँ क्यों इन लोगों ने रिजाइन करके क्यों निकल गए हैं, दोबारा से आप इनको हायर करना चाहेंगे, इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चन रहते हैं आपके, इनके कोई पर्सनल रिलेशन है या प्रोफेशनल रिलेशन है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिनके बेस पे उनको आपके यहाँ पे आपका चेक करते हैं। इसके बाद आ जाता है मेडिकल रिकॉर्ड चेक आपका। इसके बाद मेडिकल स्क्रीनिंग करवाते हैं, कुछ उनके अपने जो भी डेटा रहते हैं या जिस तरह के भी स्क्रीनिंग करवाना चाह रहे हैं, किन किन चीज़ों के उनको मेडिकल चेकअप करवाने हैं, तो वो सारे के सारे आपको मेडिकल स्क्रीनिंग करवाते हैं। आपके फॉर्म दे दिया जाएगा या फिर उनके खुद के जहाँ भी हॉस्पिटल से लिंकअप रहते हैं वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, और वो सारे के सारे मेडिकल चेकअप आपसे करवा लिए जाएंगे। अगले नंबर पे आ जाता है हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी क्या होता है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही आपका एड्रेस, जो भी आप एड्रेस दिखाते हैं और जितना टाइम पीरियड से आप वहाँ स्टे कर रहे हैं ये दिखाते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें वो उसका भी वो लोग वेरिफिकेशन करवाते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू। एक बंदा आपके यहाँ जाएगा एड्रेस पे, और वो सारे के आपके बारे में सारा एक फॉर्म फिलअप करके ले जाएगा, और आपके घर पे जो भी मिलेगा उनसे वो लोग वेरीफाई करवाएगा, और एक कोई ना कोई डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करके फोटोकॉपी लेके आएगा जो भी आपने एड्रेस दिखाया हुआ है, और उनमें सारी डिटेल की आप कितने टाइम से वहाँ पर रह रहे हैं। उसके अलावा आप कोई भी आपके जो भी पड़ोस में रहने वाले हैं एक दो, उनसे भी आपके बारे में वेरिफिकेशन करके लेके आएंगे। अगले नंबर पे आ जाता है हमारा जो भी सैलरी या फिर डेजिग्नेशन का दिखाते हैं हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, जो लॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन सारी में रह दिखाते हैं, तो उनके भी वेरिफिकेशन ये उन्हीं जो जब मेल करते हैं तो उन्हीं में ये ऑप्शन डाल के दिखाते हैं कि आपके यहाँ जब ये ज्वाइन करके रखे थे तो इन्होंने ये सैलरी दिखाया और ये डेजिग्नेशन दिखाया, इस डेट को इन्होंने ज्वाइनिंग दिखाई है और इस डेट को एग्जिट दिखाई, क्या ये सारी चीज़ें आपके यहाँ सही हैं कि नहीं। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के आपने सही सही डेटा दिखाया होगा
तो वो सारे के सारी चीज़ें सही करके आपको करेक्ट करके भेज देंगे कि जी हाँ मेरे यहाँ ये इस डेजिग्नेशन पे ज्वाइन करके रखे थे, ये सैलरी थी और ये ज्वाइनिंग डेट थी और इस डेट को इन्होंने एग्जिट किया हमारे यहाँ से। अगर वो नहीं, जहाँ भी आपने गलत दिखाया होगा तो वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उनके फॉर्म जो भी फिलअप रहे करना होगा वहाँ पे वो गलत डेटा जो भी आपने उनका ओरिजिनल है वो आपको फिलअप करके भेज देंगे जबकि आपने गलत दिया होगा। तो इस तरह के कुछ वेरिफिकेशन कराते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी आप कहीं पे इंटरव्यू दें और जॉब के लिए अप्लाएं तो कोशिश करें कि सारे के सारे अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, आपको काफ़ी अच्छा ऑफर मिला हुआ है, तो कोशिश करें कि आप जो भी डिटेल या डेटा शेयर कर रहे हैं वो करेक्ट शेयर करें उनके साथ, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, कोई भी डेजिग्नेशन से रिलेटेड हो, जो भी एक्सपीरियंस लेटर हैं आपके, जो भी एड्रेस प्रूफ्स हैं वो करेक्ट दीजिएगा, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल दीजिए ताकि अगर वेरिफिकेशन में कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आए। अदरवाइज़ क्या ये हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो सकता है, आपका वहाँ सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट थिंग ये भी है कि अगर किसी भी कंपनी का आप जो भी फर्जी लेटर पैड या ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट मत यूज़ करिए, क्योंकि जब ये लोग वहाँ सेंड कर देते हैं डॉक्यूमेंट तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अगर वहाँ पे आपने उनका फर्जी लेटर पैड यूज़ किया होगा तो वो लीगल एक्शन भी आप पे ले सकते हैं। उनकी परमिशन के बिना आपने उनका लेटर पैड यूज़ किया होगा, उनके डॉक्यूमेंट यूज़ किए होंगे, उनका नेम यूज़ किया होगा, तो ऐसा कोशिश मत कीजिए गलती की। कभी हो सकता है गलत जगहों पे फंस सकते हैं, गलत पचड़े में फंस सकते हैं। तो ये कुछ होते हैं वेरिफिकेशन, जब भी कभी नई जॉब ज्वाइन करने जा रहे होते हैं या कहीं नई जगह सिलेक्शन हो जाता है किसी को, तो उन जगहों के लिए ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमेशा इन चीज़ों का रेडी कर लें जब भी नई जगहों पे आपको ज्वाइनिंग करना, और इनके वेरिफिकेशन होंगे तो उस हिसाब से प्लानिंग कर लें कि ये वेरिफिकेशन होने वाले हैं तो ये वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहें हमेशा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।